हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आज मैं कुछ सीधे मुद्दे पर आऊंगी और शायद ये वीडियो आज लंबा हो सकता है, तो बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि जो सवालात मेरे ऊपर बार बार लोग खड़े करते हैं, कमेंट करके करते हैं, जैसे कल का वीडियो मैंने डाला था उस पर बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए। कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि जो मुझे डिलीट करना पड़े, पर मैं यहाँ पर अब सब कुछ बताऊंगी कि क्या कमेंट थे और क्या था। पूरी लाइफ को मैं जितना मैं छुपा के कुछ चीजें चल रही ना, वो सब भी मैं नहीं छुपाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है हर चीज अपन सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते। लेकिन क्या होता है, बार बार मुझ पे सवाल खड़े करे जाते हैं। मैं यहाँ अकेले बाकायदा बहुत इज्जत से अपने माँ बाप के घर रह रही हूँ, अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ, अपने हिसाब से अपने बच्चों को मैं कैसे पाल रही हूँ। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से मिष्टी को लेके मैं इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से इस डॉक्टर, सुबह से मैं परेशान हो रही हूँ। मिष्टी को क्या पता चेहरे पे क्या हुआ है, स्किन एलर्जी हो रही है, क्या हो रही है, सूजन आता है उसको चेहरे पे, फीवर आने लगता है। पूरे रिपोर्ट्स भी मैंने उसके कराए, मैं आप लोग को सब दिखाती हूँ। मतलब मैं कितना परेशान हूँ मैं जानती हूँ। ये देखिए, ये सारे रिपोर्ट्स वगैरह मैंने उसके कराए। ये मिस्ट्री, ये देखो ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। ये रिपोर्ट्स की डेट भी लिखी है, 23 सितंबर को मिस मिस्ट्री लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए ना। ये पूरा बॉडी चेकअप कराया उसका, इतने सारे इसके पर्चे हैं, डॉक्टर ऐश्वर्य मोदी वगैरह। ये देखिए, अलग अलग डॉक्टर्स के सारे पर्चे लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये डॉक्टर सौरभ जैन। ये मतलब मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ दोस्तों कि वैसे मैं हमेशा यहाँ पे अपने आप को खुश दिखाती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मैं सरवाइव कर रही हूँ ना। मैं किसी पे क्वेश्चन खड़े नहीं करती ना, यहाँ पर आके किसी से मैं मदद नहीं मांगती, कुछ नहीं, अपना खुद करती हूँ, सारी चीजें मैं खुद करती हूँ। मैं किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रो रही। मेरी लाइफ पूरी यहाँ सोशल मीडिया पर रखी हुई है, ठीक है। कल कोई ने, जो पिंकी पटरोड है, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट करे, है ना, ठीक है। कमेंट क्या किया है कि आपके हस्बैंड जो राधिका मिष्टी के पापा हैं, उन्होंने भी तो शादी की थी, तो आप भी तो फर्स्ट वाइफ हुई, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि यदि उन्होंने शादी की थी मेरे रहते, तो मैं वहां से अलग हो गई थी, फिर मैंने डाइवोर्स ले लिया था। क्योंकि जब इंसान ने दूसरी शादी कर ली, तो पहली वाइफ पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है वहां पर, है ना। हस्बैंड यदि दूसरी शादी कर रहा है तो वो आप में इन्वॉल्व नहीं है, तभी तो दूसरी जगह गया है ना। तो वहां से मैं अलग हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो केसेस आप लोग बोल रहे हो ना कि पहली वाइफ की कोई गलती नहीं है, ये वो, ठीक है, पति की गलती होती है, ठीक है, क्योंकि आदमियों को तो मुंह मारने की आदत होती है, इधर उधर, एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे से, ये आदमियों की बहुत अच्छे से मैं फितरत जानने लगी हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि मैं वहां से अलग हो गई। यदि आदमी ने दूसरी शादी कर ली है और यदि वो दूसरी शादी करने जा रहा है, तो पहली बीवी ज्यादा से ज्यादा उसे पहले समझाएगी, सब कुछ करेगी। जब आदमी हाथ से निकल चुका है, तो ऐसे रिश्ते को जिंदगी भर खींचने से कोई मतलब का नहीं, उससे अच्छा अलग होके सेपरेट होके रहो, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि कोई, उन्होंने अंजुषा सोनी करके थी, उनके लिए, उनको मैं रिप्लाई दे रही हूँ, हालांकि मैंने उनसे कॉल पे बात की है और वो कौन है सब कुछ मैं बता रही। दोस्तों ये चीजें लेके मैं चलती हूँ आपको, सबसे पहले 2015 और 16 में, ठीक है। 2015-16 में मिष्टी हुई थी, 2013, ठीक है, 23 दिसंबर 2013, उस टाइम से हम लोग की प्रॉब्लम चल रही थी मेरे हस्बैंड से, सब कुछ सेपरेट का चल रहा था। जब मिष्टी, मैं 3 महीने थे मेरे प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, तो मैंने इन पर केस किया था मेरे हस्बैंड पे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। इन्होंने अपना मकान बनवा लिया था, मुझे उस मकान से निकाल रहे थे, और मकान बनवाया किससे, 10 लाख रुपए मैंने दिए थे उस मकान में ना, मेरे मम्मी पापा सबने मिलके, हमने कैसे अपनी जेवर बेचे सब कुछ करा, और मैंने वो ऊपर का पोर्शन, लेकिन गलती हो गई कि वो मेरी सासू जी के नाम था, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। और हमसे ये बोला गया था कि क्योंकि मैं 6 महीने अलग रही थी, मैं 6 महीने अलग, मतलब मैं अपने
मम्मी पापा के घर रही थी, अलग मतलब कहीं और नहीं रही थी, मैं मम्मी पापा के घर रही थी अपने बच्चों को लेके। और मैं खुद जॉब करती थी, आप लोग को मालूम है कि कॉन्वेंट स्कूल में मैं एज ए फाइन आर्ट टीचर मैंने जॉब किया है, ठीक है। तो जब वो मकान बन गया दोस्तों, तो उन लोगों के तेवर चेंज हो गए, दोनों माँ बेटे के, राधिका मिश्री के पापा के और मेरी सासू जी के, सारा कुछ। फिर भी मैंने सहा, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा टाइम निकलता गया, निकलता गया। जब मुझे पता चला कि इनकी तो कोई जॉब फिर से लगी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये घर बैठे हो वो ही दारू पीना मारना पीटना सब कुछ चल रहा था। मैं जॉब करके आती थी, बच्चियों को भी, बच्ची सब, सिर्फ राधिका थी उस टाइम पे, है ना। फिर इसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब ये बोलते हैं कि इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो प्रेग्नेंट कैसे हो, तो आदमियों को औरतें मना नहीं कर पाती हैं, है ना, मना करती हैं तो उनके सीधे चरित्र पे इल्जाम लगाए जाते हैं। तब मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मैंने सोचा कि ये बच्चा नहीं करना है मुझे मिष्टी के टाइम पे, लेकिन मेरा भाई भी विरोध में था कि इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तुम्हें उस घर से निकाला जा रहा है, तो क्यों तुम ये बच्चा रख रही हो। तो मैं भी राजी थी कि मैं भी अबॉर्शन करा दूंगी, लेकिन मेरे माता पिता जो है, सिर्फ स्पेशली मेरी माँ के कारण आज मिष्टी इस दुनिया में है, नहीं तो मैं उस टाइम पे अबॉर्शन करा लेती, क्योंकि बहुत परेशान थी, बहुत मेंटली रूप से परेशान थी। मैम अलग रह रही थी ऊपर उसी मकान में जहां मैंने पोर्शन, ऊपर का पोर्शन बनवाया था उसमें मैं अलग रह रही थी, वो दोनों माँ बेटे नीचे रह रहे थे। वो 9 महीने मैंने कैसे कितनी उससे निकाले कि पूरे 9 महीने तक मैंने गाड़ी चलाई है, शरीर ऐसा फूल रहा था मेरा, 95 kg वेट हो गया था मेरा, इतने स्वेलिंग में मैं गाड़ी निकालती थी, वो आदमी देखता रहता था लेकिन कोई हेल्प नहीं। उसका ही बच्चा लेके घूम रही थी ना मैं, लेकिन कोई वो नहीं। आसमान कितनी स्ट्रगल करके मैं बच्चों को पाल रही हूँ मैं जानती हूँ। दूसरा, फिर इसके बाद केस तो मैंने कर ही दिया था उन लोगों के ऊपर। केस क्या चल रहा था, घरेलू हिंसा और भी बहुत सी चीजें, जो मकान बनवा लिया, मेरा पैसा, ये सारे केसेस चल रहे थे। डिफरेंसेस होते गए होते, लेकिन इसी बीच मुझे पता चल गया था कि इसने दूसरी शादी कर ली है ना। तब तो मेरा कुछ भी नहीं, बस केस कौन से नॉर्मल केसेस चल रहे थे, कोई डाइवोर्स का केस उनसे नहीं चल रहा था। लेकिन इसके बाद जब मुझे पता चला तो भी मैंने वो चीज सही, 9 महीने उनके साथ रही, मैंने उन्हें माफ भी किया। जब उनने मुझसे माफी मांगी शादी करने के बाद कि मेरे से गलती हो गई, मंजू केस चल रहा था, लेकिन उस आदमी ने मुझसे माफी मांगी, तो मैं भी आज हूँ तो एक वाइफ ही ना, बच्ची की, छोटी बच्ची। मुझे भी ये लगा यार इसने तो अभी बाप का मुंह भी ढंग से नहीं देखा ना इसको, क्योंकि मिष्टी राधिका तो 7.5-8 साल की हो गई थी जब मिष्टी हुई थी। तो मैंने फिर उनको माफ किया और वो मेरे साथ वहीं ऊपर नीचे रहने लगे, आने भी लगे ऊपर, छुप छुप के अपनी माँ से छुप छुप के वो मेरे पास आते थे, क्योंकि उसकी माँ का बहुत ज्यादा टेरर था, सबसे बड़ी डेंजर लेडी तो वो ही थी मेरी लाइफ में। इतना खराब राधिका मिष्टी के पापा नहीं थे जितनी खराब मेरी सास थी, जो भर भर के उनको, मेरे को पिटवाती थी, सब कुछ करती थी। इसके बाद जब वो 9 महीने मेरे साथ आके रहने लगे, तो वो ड्रिंक तो उनका बंद हुआ ही नहीं है, ऊपर से वो ही पैसे चुरा के ले जाना घर से, मैं कमा कमा के रखनी, मेरी तिजोरी से पैसे गायब हो जाते थे, ये सारी चीजें फिर से, और वो ही सब औरतों से बात करना, ये सब। तो मैंने आखिरकार 9 महीने बाद उनसे हाथ जोड़ लिए कि अब नहीं हो पाएगा तुम अलग, और मैंने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया 9 महीने बाद कि अब मैं अलग रहूंगी, ये आदमी अब कभी सुधरने वाला नहीं है। इसके बाद 2017 में मेरा उनसे डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स होके मैंने फिर, मेरी एक फ्रेंड थी उसने बोला, दीदी आओ, मेरे स्कूल की जितनी भी टीचर्स आ रही थी कि नहीं मंजू अभी तुम्हारी एज क्या है, तुम शादी कर लो, बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम्हें अच्छा आदमी मिल जाएगा। ये उस टाइम 2017 की बात बता रही, जब बच्चियां मेरी छोटी छोटी थी, आज से कंपेयर मत करना, उस टाइम की बातें बता रही हूँ मैं। तो मैं भी पागल बातों में आ गई, मेरी फ्रेंड एक स्वाति करके थी, उसने मेरी प्रोफाइल बना दी। सच में वो मनहूसियत दिन था जब मेरी प्रोफाइल बनी थी, सही बता रही हूँ। जब मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल बनती है तो 17 लोगों के ऑफर भी आते हैं, अपन प्रोफाइल चेक करते हैं तो बात भी करते हैं ना। अब ये काम मेरे को ही सौंप रखा था, करना किसको था, मेरे भाई को, लेकिन भाई अब आप लोग सब समझ सकते हो, वो सारा जिम्मा भी मैंने ही संभाला। आदमियों से बात करना समझ में नहीं आता था, इतनी अक्ल तो थी नहीं कौन सही है कौन गलत है। मैंने ये चीज देख रही थी कि मेरी बच्चियों के लिए कोई खड़ा हो, ये उसके रिगार्डिंग कोई एक, जो कल एक अंजुसा सोनी ने करे थे ना, उसके रिगार्डिंग एक कोई रवि सोनी है भोपाल के, उनसे मेरी बात हुई, सोनी थे, तो मेरे मम्मी पापा भी सोचे कि समाज के पास है भोपाल के, अच्छा है, और उसने अपनी प्रोफाइल पे लिखा था डाइवोर्स, है ना।
तो हम लोग लगा चलो डाइवोर्स है, अच्छा है, एक ही है। मेरे मम्मी पापा भी बोलने लगे कि ठीक है। तो 15-20 दिन मेरी उससे बात हुई, लेकिन एक दिन अचानक से एक कॉल आया मेरे पास, एक कोई मैडम, उनकी वाइफ अंजू ससोनी करके, बोलती है कि आदमी तो शादीशुदा है, तुम इससे कैसे शादी। मैंने कि भैया मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा भाई भी बोले कुछ पता नहीं है हम लोग को, वो तो ये डाइवोर्स लिखा है तो डाइवोर्स ही मानेंगे ना हम लोग, कि डाइवोर्स। अब यार इतनी अक्कल नहीं थी मुझे, मैं से आज जितनी चतुर मैं हो गई उस टाइम पे मैं सच में बेअक्कल थी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे ऐसे आदमी से कोई शादी नहीं करना है, मुझे शादी करना है तो मुझे ऐसा कि जो मेरी बच्चियों के लिए खड़ा हो, और ऐसा जिसकी पहले से वाइफ है। तो मैं अलग हो गई, अब उनके भी घर में जो लड़ाई झगड़े हो, उस आदमी ने क्यों प्रोफाइल बनाई थी, तो ये औरत कल मुझे कॉल कर मैसेज करती है कि तुम्हारे कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़े हुए। यार ये चीज है, जब पता ही नहीं हो किसी को, जब अपने आदमी को बोलो ना जाके, हम लोग तो निकले ही मैट्रिमोनियल पे, थी प्रोफाइल बनाई है तो सामने किसी ना किसी से तो बातें होगी ना। जब वो मैटर खत्म हो गया, इन मैडम ने आज मुझे वो किया, और मैंने आज उन्हें सुबह कॉल करके उनसे बहुत अच्छे से मेरी बात भी हुई है, सब सारी चीजें उन्हें बताई। तो उन्हें ये बुरा लगा कि तुम पहली पत्नी को बुरा क्यों बोल रही थी कल के वीडियो में। पहली पत्नी का क्या दोष होता है, आदमियों की ही आदत होती है मुंह मारने की, कितना ही कुछ ऐश्वर्या राय जैसी भी बीवी होगी ना तो भी उनकी आदत होती है, 99% आदमी बाहर मुंह मारते ही है। तो उनको इस चीज का मेरा बुरा लगा, लेकिन मेरा इंटेंशन कल के वीडियो में सारी औरतों को लेके नहीं था। मेरा फ्रस्ट्रेशन किस लिए है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, सारे व्यूअर्स मेरे जानते हैं कि मेरा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। एक औरत ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद, आदमी ने तो की उसके, लेकिन उसकी औरत ने मेरी सबसे पहले जिंदगी बर्बाद की है, क्योंकि वो औरत बहन बन के मुझसे बात करती थी, इसलिए मैं उसको दोष देती हूँ। वो पहली बीवी समझे कि उस वो बहन बन के क्यों बात करती थी आज तक ये राज रहा मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे पूछा भी तो कहती थी मुझे मेरा हस्बैंड दबाता था। अरे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें दबाता था, मारता पीटता जो भी था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। शादी के 5 महीने बाद मुझे पता चला था ये आदमी शादी शुदा है। और आज तुम बहुत सती सावित्री बनती हो अपने पति के लिए, आज तुम मेरे से लड़ती हो, ठीक है। मैं आज भी मेरा उससे कोई संबंध नहीं, मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पे आज खुल के बोल रही हूँ, ठीक है। मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ जमाने के लिए कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी कोई शादीशुदा जिंदगी नहीं है, समझे। मैं अकेली अपने मायके रहती हूँ। आज यदि मैं इतनी बुरी होती दोस्तों तो मैं आज उसके घर जाके अपना हक बताती, लेकिन जब मुझे पता चला तब भी नहीं गई मैं। आज तो इतने साल हो गए, कभी नहीं गई, ना मुझे जाना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं अपने कारण किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। तो ये जो मुझे दूसरी बीवी का टैग है ना, मुझे नहीं लगवाना अपने ऊपर, कुछ भी नहीं लगवाना है। जब बोलो जब मैं उस आदमी के साथ एक ही घर में रह रही हूँ, है ना, मैं घर में नहीं रह रही किसी के, मैं अपने मम्मी पापा के घर रह रही हूँ, अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ, समझे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, मैं शांति से अपने घर में रह रही हूँ, है ना, अपना कमा रही हूँ, अपना जैसे कर रही हूँ, जैसे अपनी घर गृहस्थी चला रही हूँ, मैं चला रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं। तो ये जो दोबारा आके यार लोग बोलते ना कि तुम भी दूसरी बीवी हो, तो दूसरी बीवी क्या कहलाती है, मुझे वो टैग अपने ऊपर नहीं लगाना है, समझे। इसलिए जो भी कमेंट्स करो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कि तुम लोग भी एक औरत हो, जो कमेंट्स करने आ रही है ना यहाँ पे वो भी एक औरत है, कि किसी के कहाँ चुभेगा, है ना। मैं रह नहीं रही, हाँ बीवियां दोनों साथ में, यदि आदमी उसे रखे हैं दोनों बीवियों पे एक साथ सेम सिटी में रहे, हाँ 1400 किलोमीटर का अंतर है, वो कहाँ इतनी दूर गुजरात में, मैं कहाँ मध्य प्रदेश में, वो विदिशा में रह रही हूँ। मेरा उससे कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ रह रही हूँ। हाँ कभी चाल हम लोग की कॉल पे बात होती है, मैंने तुम लोग को बताया है कि कॉल पे बातें होती है हमारी, लेकिन मिलना जुलना मैं कोई हक नहीं जताती, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ है ही नहीं है ना वहां पे, मेरे लिए जिंदगी ढूंढ है वहां, कुछ नहीं है मेरा, उन्होंने मैं बोलती कुछ भी मुझे कुछ है, मुझे क्यों यार, मेरी जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी पूरी। फालतू के क्वेश्चन मेरे ऊपर आके खड़े थे, सभी बोलते वो उसकी क्या गलती, यार गलती तुम लोग को मालूम है क्या, मैं जानती हूँ उस औरत की क्या गलती है। आज तुम लोग क्या अपनी पति की
बहन बन के दूसरी औरत से बात करोगे, यदि तुम्हारा पति तुमसे बोलेगा कि तुम बहन बनो हम दूसरी औरत से, तुम लोग करोगे क्या? मैं तुम लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ आज अपने सारे व्यूअर्स से, तुम लोग करो। इस औरत ने ऐसे ही किया, ये बहन बनती थी, शिवानी नाम से इसकी प्रोफाइल थी, वही शिवानी बन बन के मुझसे बात करती थी। मैं तो यही समझती थी ना, इस आदमी की तो बहन है, मुझे क्या मालूम था कि यही बीवी निकलेगी। और आज आप लोग इस तरीके के मुझसे बोलोगे ना, मुझे मेरा दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। मैंने बहुत कष्ट झेले, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, धोखा मुझे सामने से मिले, आदमी जात से मुझे नफरत हो गई है, नफरत। ये आदमी पहले बातें करते, फिर अपने सारे राज जानते, साले अपन लोग इमोशनल हो के सारी चीजें बता देते, फिर ये लोग ब्लैकमेल करते, परेशान करते हैं अपन को। मैं क्या झेल रही हूँ आज, मेरी लड़की बाहर पढ़ रही है यहाँ पे, तो फिर ठीक है, माँ बाप है वो बूढ़े। आज मम्मी की इतनी तबीयत खराब हुई, बेचारी सुबह सुबह डॉक्टर को लेके घूमती रही, अकेली किचन में लगी रही, तो भी उनकी बस की नहीं, दवाइयाँ फाँक आगे उनने खाना बनाया कि ये बेचारी बन, क्योंकि मेरी माँ ही मेरे पे दया देखती है और कोई दया नहीं देखता है ना, मेरे मम्मी पापा ही मेरे पे दया रखते हैं कि ये लड़की अकेली परेशान हो रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ठीक है आप लोग सुनते ना को, मुझे कोई वो नहीं है कि वो पहली बीवी है, मेरे कारण सफर करी है, ये सब है। यार क्या सफर करी है, आज तुम सांस से अपने घर में रह रही हो, अपने बच्चों के साथ रह रही हो, अपने पति के साथ, मैं कहाँ तुम्हारे पास आ रही हूँ यार, कुछ भी बोल रही हो जो मेरे को आके कमेंट करते हो आप लोग। यार पहले चीजें जान तो लो, सारी हकीकत जान लो, मेरी पूरी जिंदगी देख लो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बुरा नहीं लगेगा। लाख इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार सोशल मीडिया है, हो जाता है, बोलते हैं आज मैंने अपनी लाइफ रखी तो उसके पीछे भी अहम था कि जो गलतियां मैंने करी है वो कोई और ना दोहराए अपनी जिंदगी में गलती है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना चाहिए जिंदगी में बहुत सोच समझ के, खूब छानबीन के, कभी इमोशनल होके किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए जिंदगी, पता है पूरी जिंदगी ऐसी बिल्कुल एक तरीके से बह जाती है, वहां पे कोई ठहराव नहीं रहता है जिंदगी में। आज भी देखो इतने 45 साल के हो गए, लेकिन मुझे सिर्फ सुनना ही सुनना पड़ता है, सबकी सुन सुन के चल रही, सिर्फ एक गलती की आज मैं, जो मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी वो सोच समझ के करती, या मेरे मम्मी पापा जहाँ कर रहे थे वहां मैं करती तो शायद मेरी ये जिंदगी फिसलन वाली नहीं होती, नहीं होती। थक चुकी हूँ मैं, सही बताऊँ मैं थक चुकी हूँ। आज यहाँ पे बैठ के अपने मन की जो चीजें हैं अपन किसी को नहीं, बीच में ये हाल हो गया था जब ये पता चला था, इतना डिप्रेशन में आ गई थी दोस्तों, 1 साल मैंने पूरा क्लास बंद, मैं किसी के साथ इसी रूम में इस पलंग पे बैठी बैठी बस मोबाइल पे दूसरे आदमी की कहीं फोटो देख रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, इतना डिस्टर्ब हो गई थी मैं, जानती हूँ बहुत ज्यादा। तब आदमी ऐसा लगता है, हर एक को लगता है कि किसी का सहारा ढूंढ ले, किसी को अपने मन की बातें बता दे, ये होता है सबके साथ, तब भी मुझे ही गलत ठहराया जाता है, इतना गलत कि मुझे समझ नहीं आता कि जब हकीकत नहीं मालूम, दूर दूर से आप लोग देख रहे हो, दूर दूर मेरी पूरी लाइफ है, तो टाके फालतू के कमेंट तो मत करो यार, जब आप लोग हकीकत मालूम ही नहीं है। हाँ मेरा कल के वीडियो में बोलने का सिर्फ यही इंटेंशन था कि पहली पत्नी मौका ना दे तो दूसरा आदमी दूसरी शादी नहीं करेगा, और वो दूसरी शादी कर भी रहा है तो पहली पत्नी को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े चलते हैं तभी तो आदमी बाहर जा रहा है। अब ये गलतियां औरत की भी हो सकती है, आदमी की भी हो सकती है, मेरे केस में ये था, मेरे केस में क्लियर है कि मेरा आदमी ड्रिंक करता था, है ना, राधिका मिष्टी के पापा भयंकर ड्रिंक करते थे, अर्निंग नहीं करते थे कुछ भी, ऊपर से चिल्ला चोट करना, फिजिकल टॉर्चर करना, तो भी हर औरत अपनी गृहस्थी बचाती है, और मैंने अपनी बचाई, 14 साल तक मैंने कोशिश करी आदमी अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। दैट टाइम मैंने डिसीजन लिया कि अब नहीं, तो यहाँ
पे गलती किसकी है आप ये बताइए। मैंने तो कोशिश करी ना, लेकिन जब मुझे पता चला ये आदमी शादी कर रहा है तो इससे अच्छा अलग हो जाओ, है ना। और दूसरे केस में यहाँ पे सरासर किसकी गलती है, इसकी वाइफ की। आदमी की तो है, उस आदमी को भी है गलती बराबर, लेकिन सबसे पहले गलती इसकी पत्नी की है कि यदि आदमी आपका दूसरी जगह जा रहा है, तुम्हारे सामने बैठ के रात रात भर कॉल कर रहा है, और तुम कैसे सहन कर रही हो। आज हम तो नहीं कर पाते सहन, बिल्कुल नहीं कर पाते, तो ये आदमी के ये औरत कैसे सहन कर ली। और जब तुम सहन कर रही थी तो तुम एक कॉल नहीं लगवा सकती थी। मेरा हर बार यही सवाल होता है और ये हर बार मुझे इस चीज का कोई जवाब नहीं मिला, आज तक कोई जवाब नहीं मिला कि तुम्हें पता था तुम्हारा आदमी मुझसे बात करता है, शादी कर रहा है, तो तुमने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोका। तो आज बुरा भला मुझे बताया जा रहा है कि तुम क्यों मंगलसूत्र पहनती हो, क्यों मांग में सिंदूर भरती हो। हुई तो थी ना मेरी शादी, तो हुई है ना, इसलिए कर रही हूँ मैं। आज मैं अपने आप को इससे सिक्योर समझती हूँ, बस इसलिए पहन रही हूँ। किसी का कुछ नहीं है इसमें, इससे मैं सिक्योरिटी महसूस करती हूँ। मैं ना किसी पे हक जता रही, ना मैं बोल रही मैं शादीशुदा, मैं ऐसा वैसा, मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना है। बहुत थक गई दोस्तों, पता है कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा सब चीजें होती थी, ऐसा लगता है साला मर जाओ, कुछ खा लो, ये जिंदगी बेकार है। लेकिन इन दो दो बच्चियों का मैं क्या करूं, किसको सौंपू, क्या करूं। मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ। मैं इतना टेंशन नहीं लेना, ना माँ बाप के आगे रो सकते ना, उन्हें उन्हें पता नहीं कि मेरी माँ फिर भी इतना समझती है, मेरा चेहरा देख के समझ जाती है, दुखी है दुखी है। साला आज हंस रहा है, खेल रहा है, दिखा दुनिया के आगे कि चल यार अपन को अपना अंदर के कोई भी भाव नहीं बताना है, स्ट्रोंग बनना हो। मैं स्ट्रोंग बनती हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो हो चुका अपन को जिंदगी आगे जीना है, बच्चों के लिए जीना है जिंदगी, है ना। इन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि माँ परेशान है या कुछ भी, आज दादी का बाहर है, बराबर खर्चे हो रहा है, सब कुछ है। कितने दिन बच्चा आपका भी बाहर होगा तो आप लोग समझ सकते हो, पानी की तरह पैसा बहता है, सब करके दे रहा है, कुछ हम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, हो रहा है। बस हमारा एम यही है, हमारी बच्ची पढ़ जाए, बस वो भी यही कहती, मम्मी बस मैं पढ़ जाऊंगी ना तो मैं मिष्टी को पढ़ा लूंगी, आप चिंता मत करो। चुकी हूँ, ऐसा ही बता रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ दोस्तों। लेकिन हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी, यदि मैंने अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे रखी है तो प्लीज उसको पूरा देखो, पूरा जानो, तब जाके कमेंट करो, वरना मत करो। और मैं ये कहीं नहीं बोल रही, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं। मेरे कल के वीडियो में मेरा इंटेंशन किसके लिए था वो मैंने क्लियर बोल दिया कि मेरे साथ पहली पत्नी ने धोखा किया है, इसलिए मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन पहली पत्नी को ही लेके था। मेरी जिंदगी वहां से बर्बाद होना शुरू हुई है, ठीक है। पहले तो थी लेकिन मैंने संभाल ली थी, मेरे को लाखों रिश्ते आ रहे थे, कोई कमी तो थी नहीं मुझे, लेकिन मेरे को करने नहीं दिया गया, है ना। ये आदमी ने मुझे कहीं और कुछ नहीं, खुद से बांध के रखा। ये खुद भी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं खोलने आऊंगी ना तो शायद रात हो जाएगी मुझे बैठे बैठे, लेकिन बहुत कुछ बातें मैं यहाँ सोशल मीडिया पे खोल चुकी हूँ, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बोलने का। लेकिन मैं थक चुकी हूँ, मैं सही बता रही हूँ, सबसे मेरा मन उठ चुका है, बस अब एक जिंदगी खींचना है मुझे, और मुझे मेरी बच्चियों को पालना है बस। आज मैं हंसती मुस्कुराती हूँ उसी में लोगों को निकल वो लगती है, जलन मिर्ची लग जाती है, यार ये हंस क्यों रही है, इतना मुस्कुरा क्यों रही है, तो पूरे टाइम रोते रहे क्या, जिंदगी में कुछ हुआ तो उस चीज को लेके यहाँ पर बैठ के बकते रहे क्या। ये बक्सो, हमें जिंदगी जीने दो बस। ये जो दो चार लोग आके औरतें आप कमेंट करती है, मुझे नहीं मालूम तुम लोग कौन हो क्या बैर है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, मैंने तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ा है, समझे। प्लीज मुझे बक्सो, शांति रहने दो मेरी जिंदगी में, हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप लोगों से, ठीक है।